अगली खबर है भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़ी हुई। गरीबों का अनाज बाजार में बेचकर अपनी तिजोरी भरने वाले शासकीय उचित मूल्य की दुकान बहुती के सेल्समैन के खिलाफ कालाबाजारी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सहायक आपूर्ति अधिकारी हनुमना के द्वारा जांच की गई थी, जिनके जांच प्रतिवेदन के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान बहुती के स्टॉक की जाँच की गयी। तो गेहूँ 197 क्विंटल कम, चावल 376 क्विंटल कम, नमक 5 क्विंटल कम पाया गया था। बहुती के विक्रेता यादवेंद्र सिंह पिता धर्मराज सिंह द्वारा उस स्टॉक की कालाबाजारी के द्वारा बाजार में बेचने के साक्ष्य मिले तथा दुकान पर स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया था। उक्त अपराध गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आने के चलते बिचरहटा के विक्रेता के विरुद्ध FIR दर्ज करने की शिकायत की गई, जिसके बाद मऊगंज पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आए दिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं के द्वारा बाजार में खाद्यान्न बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। की गई कार्यवाही के संबंध में SDOP नवीन दुबे ने बताया कि SDM हनुमना के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्यवाही की गई है। आइए आपको सुनाते हैं SDOP नवीन दुबे ने क्या जानकारी दी है। SDM हनुमना के द्वारा थाना मऊगंज में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करवाया गया, और जिसमें मूल बात यह थी कि बहुती में संचालित उचित मूल्य की दुकान, जिसके विक्रेता यादवेंद्र सिंह पिता धर्मराज सिंह थे, उनके द्वारा वहां पे गेहूं, चावल और अन्य जो उचित मूल्य की दुकान में प्रदान की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनकी कालाबाजारी की जा रही है। इस संबंध में SDM हनुमना के द्वारा कनिष्क आपूर्ति अधिकारी से जांच कराई गई, और उनके जांच में यह पाया गया कि वहां पे जो लोग को खाद्यान्न मिलना चाहिए उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, और बल्कि उनसे अंगूठा लगवा के उसकी कालाबाजारी की जा रही है। एक विस्तृत जांच रिपोर्ट कनिष्क आपूर्ति अधिकारी के द्वारा SDM को पेश किया गया, और SDM साहब के द्वारा थाना मऊगंज में आवेदन भेजा गया है। इसके आधार पर थाना मऊगंज में अपराध क्रमांक 701/22, धारा 420, 409, आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।